जितने लोग क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं या क्लास 12 पास करने जा रहे हैं, स्टडी करते हो और हजम करते हो, डाइजेस्ट करते हो, ये 90% लड़का नहीं करता। लिमिटेड वर्ड्स कंप्लीट मैसेज। अगर तुम दो क्वेश्चन पर डे लिखो, 10 महीने में कितना हुआ? 600। और जिस दिन तुम्हारे 600वां क्वेश्चन पूरा होगा, तुम्हारे अंदर तीन चीजें डेवलप हो जाएंगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग आमतौर पर वैल्यू नहीं देते, शायद इसका महत्व नहीं समझते, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये बड़ी कीमती चीज है। मतलब आप आईएएस बन जाओगे, फिर आपको लवासना भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, या हैदराबाद भेजेंगे, या नागपुर भेजेंगे, या फरीदाबाद भेजेंगे, जो भी आपको मिलेगा उसके हिसाब से। फिर आपने, आपकी फर्स्ट रैंक है आईएएस में, फिर आपको वो डायरेक्ट कलेक्टर की पोस्टिंग कभी नहीं देंगे, सबऑर्डिनेट। जाओ ग्राउंड में सबऑर्डिनेट बन के रहो, ये ग्राउंड की रियलिटी देखो, एक्सपीरियंस करो। पूरी फिलॉसफी इसी पे डिपेंडेंट है, पढ़ना और अनुभव करना। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अनुभव बहुत बड़ी चीज है, बहुत कीमती। अब इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस इज अ गेम ऑफ 2 इयर्स। जो नए लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं, क्लास 12th में है, क्लास 12th पास आउट है, उनके पास इकरा के पास बेस्ट ऑप्शंस है। जितने लोग क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं या क्लास 12 पास करने जा रहे हैं, इकरा इस देश में उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। किस लिए? एनसीईआरटी का कोर्स आपको दे रही है इतने कम दाम में, और इतना जबरदस्त कोर्स है वो। फिर इनका प्री का मेंस का जो वो प्रोग्राम है वो और भी जबरदस्त है। मैं क्यों कहता हूं 2 साल? तो जितने भी नए लोग हैं वो तो इकरा को ज्वाइन करें, एकदम करें। 2 साल में इसलिए कहता हूं कि 1 साल 1 ईयर आप तैयारी करते हो। तैयारी का मतलब क्या होता है? आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो और हजम करते हो, डाइजेस्ट करते हो। ये 90% लड़का नहीं करता, वो सिर्फ पढ़ता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब उसकी कोचिंग खत्म होती है, वो फिर ब्लैंक होता है। अकबर की मनसबदारी पढ़ ली, अब हजम भी, यहां भी तो सेव करो। बस सेव करने के 2 तरीके, एक लिखना, एक डिस्कस करना। दूसरा जो साल होता है वो प्रैक्टिस का साल होता है, एक्सपीरियंस लेने का साल होता है। ये प्रैक्टिस का साल होता है, ये एक्सपीरियंस करने का साल होता है। कि भाई गांधी तो पढ़ लिया, अब गांधी से क्वेश्चन अगर आएंगे प्रीलिम्स में, गांधी से अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, तो या तो उनकी अफ्रीका जो प्रवास है वहां से आएंगे, या फिर जब वो इंडिया में आते हैं और मतलब 3 साल 1915 to 1817 2 साल वो एक तटस्थ रहते हैं, उसका पीरियड 1915 to 1917 के पीरियड की वहां उन्होंने क्या किया, या फिर वो एनसीएम से पूछेंगे, या फिर वो सीडीएम से पूछेंगे, या फिर वो इंडिविजुअल सत्याग्रह से पूछेंगे, और या फिर उनकी फिलॉसफी से पूछेंगे। अब गांधी पे यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो अफ्रीका में अगर क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेंगे वो साहब कि किस जगह पे उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया था और क्यों, टॉलस्टॉय आश्रम का क्या इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंसी, फैक्टर ऑफ रेलेवेंसी। कैसे, किस लिए गए थे, कैसे नेता बन गए, हार्डिंग, स्मर्ट्स, मदन मोहन, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका क्या रोल है गांधी की जीवनी में, अफ्रीका में, यहां से पूछेगा। क्यों इनएक्टिव रहे, क्या किया 2 साल, चंपारण सत्याग्रह क्या है, उसका की फीचर क्या है, इसका की फीचर क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, सब नहीं पढ़ना होता।
इसका की फीचर यह है कि भारत राष्ट्र नहीं है, इंडिया इज नॉट अ नेशन। भारत राष्ट्र नहीं, इंडिया इज नॉट अ नेशन, बट गांधी सक्सीड्स इन क्रिएटिंग मास मूवमेंट। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा तुरंत यहां पे। ये तैयार करना है कि यार राष्ट्र नहीं है और मास मूवमेंट कैसे। तो यहां से प्रीलिम्स क्वेश्चन बनेंगे। तो ये एक साल आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा मेंस का और प्रीलिम्स का। मेंस में, अब मेंस में लिखते तो आप कभी हैं नहीं, और आपके जमाने में लव लेटर्स नहीं लिखे आते थे, हमारे जमाने में लिखे आते थे तो हमें लिखने की आदत थी। कुछ लड़के चार चार पांच पांच पेज का लेटर लिखते थे, कसाई की दुकान से खून ऊन लाके आई लव यू लिख देते थे, वो बहुत मारती थी लड़कियां उनको। पाकिजा मूवी देखो, उसमें राजकुमार ने दो लाइन लिखी है मीना कुमारी के बारे में, आपके पैर बहुत सुंदर है, इनको जमीन पे मत रखना। ये मेंस है, लिमिटेड वर्ड्स कंप्लीट मैसेज। लिमिटेड वर्ड्स कंप्लीट मैसेज, ये होता है मेंस। अगर तुम दो क्वेश्चन पर डे लिखो, दो, एक महीने में कितना हुआ 60, और 10 महीने में कितना हुआ 600, और जिस दिन तुम्हारे ये 600वां क्वेश्चन पूरा होगा, तुम्हारे अंदर तीन चीजें डेवलप हो जाएंगी। एक तो एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा, दूसरा कंटेंट डेवलप हो जाएगा कि कहां पे क्या लिखना है, तीसरा क्वेश्चंस के जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में आने लगेंगे, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, इवेलुएट। और चूंकि 95% लोग प्रैक्टिस पे कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है।